आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 अध्याय का नाम है अल्कोहल एवं ड्रग्स का प्रयोग। अल्कोहल की इंग्लिश से होती है अल्कोहल ही होती है, और ड्रग्स का मतलब जो होता है ड्रग्स ही होता है। यहाँ पर ड्रग्स से लेना देना जो नशीली दवाइयों से है, नशीली दवाइयां। और अल्कोहल जो होता है इसको शराब या मदिरा बोलते हैं, और इसका जो होता है रासायनिक नाम जो होता है रासायनिक सूत्र जो होता है C2H5OH, ठीक है ना। और इसका जो IPSC नाम होता है ये होता है इथेनॉल। IPSC का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक, इथेनॉल। यहाँ पे जो OH या आल है ये इसका क्या है, क्रियात्मक समूह, ये इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया। और फंक्शनल ग्रुप जो होता है किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो है वो गुण का निर्धारण करता है, गुण का निर्धारण करता है। मतलब हम कह सकते हैं क्वालिटी जो है उसका वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो डिटरमिनेशन, डिटरमिनेशन मतलब क्या होता है, निर्धारण, ठीक ना। तो किसी, अब इसकी संरचना सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो कार्बन कितना इसमें, दो संरचना सूत्र इधर बना, एक कार्बन दो कार्बन, और कितना हाइड्रोजन लेगा तो पांच, एक हाइड्रोजन इधर एक ऊपर और एक नीचे, तीन और एक इधर एक इधर, कितना हो गया पांच हो गया, एक इधर लगा देते। कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए, चार चार होती है ना, तो चार इसके इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक हाइड्रोजन से कर लेता है तो इसका कितना हो गया, तीन हाइड्रोजन इधर किया एक कार्बन से किया, कितना हो गया चार हो गया ना, ठीक। अब देखिए इसका तो चार हो गया, एक दो तीन और ये वाला चार, इसका चार पूरा हो गया, बैलेंस हो गया। इसका कितना हुआ, तीन हो गया। इधर हम OH जोड़ दें, ठीक है ना, तो OH जुड़ने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका भी कितना हो गया तो चार हो गया, ठीक। और नामकरण करते समय एक चीज ध्यान देना, IUPAC वाला वीडियो अपलोडेड है, रिमाइंड करके देख लीजिएगा। IUPAC में एक चीज ध्यान देना है कि जिधर से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उधर से ही काउंटिंग शुरू की जाती है। क्रियात्मक समूह किधर लगाए, बाएं तरफ से लगा दाहिने तरफ से, उधर से लगा किधर से, उस तरफ से लगा ना, तो उस तरफ से इधर से काउंटिंग शुरू होगी, एक कार्बन दो कार्बन, कार्बन नंबर एक कार्बन नंबर दो, और एक कार्बन को क्या बोलते हैं मेथ, दो कार्बन को एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है तो एन, ठीक ना। तो दो कार्बन के लिए क्या लगता है एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है एन, और फिर क्रियात्मक समूह के लिए क्या लगेगा आल, तो इसका नाम क्या हो गया एथेनॉल, ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो इसमें जो है सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कार्बन की संख्या, फिर बॉन्ड, और फिर लास्ट में जो है क्रियात्मक समूह लिखते हैं, ठीक है ना, क्रियात्मक समूह। लेकिन गिनती करते समय एक चीज ध्यान देना आपको कि जिधर से क्रियात्मक समूह लगा होगा उधर से गिनती करेंगे, तो IUPAC में एक चीज ध्यान देगा, कहीं भी आप IUPAC लिखिएगा किसी भी क्लास में जो है 0 to high level, ठीक है ना, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना कि हमेशा जो नंबरिंग आपको जरूर दिखाना कि आप गिनती किधर से शुरू कर रहे हैं। आपने सब कुछ कर दिया अगर नंबरिंग नहीं दिखाया तो एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, वो आपका जो किया कराया सब कुछ गलत काट सकता है, ठीक है ना। तो ड्रग्स क्या होते हैं, नशीली दवाइयां होती हैं। अल्कोहल क्या होता है, शराब होता है, इसको मदिरा भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो C2H5OH होता है, और इसका IUPAC नाम जो होता है वो क्या होता है, इथेनॉल होता है। और इसका किसी भी यौगिक का जो गुण का निर्धारण होता है वो किसके आधार पर होता है, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप के आधार पर होता है। तो किसी भी यौगिक का जो है हम IUPAC नाम कैसे रखते हैं वो भी हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है ना, इतना बनाएंगे।
बना लीजिए इसको जी। तो अगर बात की जाए एल्कोहल एवं ड्रग्स जो होता है इसका उपयोग कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे कोई भी चीज जो है, अक्सर आप देखेंगे कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कॉमन एग्जांपल बोल रहा हूँ, जैसे देखेंगे आप लोग आपके गांव में जो व्यक्ति 15 साल तक साइकिल नहीं सीख पाया जिंदगी में साइकिल नहीं सीख पाएगा। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब जो लर्निंग कैपेसिटी होती है ये जो है, जो हमारा बचपना होता है इसमें जो है सबसे तेज होता है, सीखने की जो क्षमता होती है वो बचपना में क्या होता है सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति जो बचपन में अपने साइकिल नहीं सीख पाया 15 साल तक 12 साल तक जिंदगी में सीख नहीं पाएगा, मतलब 15-16 साल तक नहीं सिखाना, तो देखेंगे वो पैदल जाएगा, मेट्रो ट्रेन से जाएगा, तो इसी से चला जाएगा, ठीक है ना। बस हो जाए, एक आध दो एग्जाम्पल होगा हर गाँव में, एक आध दो मॉडल होते हैं हर गाँव में, कोई ऐसा गाँव नहीं होगा जिस गाँव में एक आध दो मॉडल ना हो पैदल वाला मॉडल, ठीक है ना। अब देखिए इसीलिए आप देखेंगे कि जो गुटखा ये धूम्रपान करने वाले होते हैं या एल्कोहल और ड्रग्स का जो सेवन करने वाले होते हैं, ये आप देखेंगे बेसिकली जो है 10-12 साल से लेकर के जो 18 साल तक, यहीं से ये क्या करते हैं अपना स्टार्टिंग करते हैं। बात समझ आ रही है? मतलब एल्कोहल और ड्रग्स मतलब शराब और नशीली दवाइयों का जो यूज होता है वो बेसिकली आप देखेंगे 12 से 18 साल तक। क्यों? क्योंकि जब तक वो 10 साल का होता तब तक घर का कोई इसको छोड़ने जाता पढ़ने के लिए, अब ऐसे केस में खाएगा तो इतना थप्पड़ पाएगा उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। जब वो 12 साल का हो जाता तो 12 साल मतलब क्या हो गया आजकल के डेट में, इतना एक पता कौन कौन के जी चल गया है, LKG UKG पता नहीं कौन कौन से के जी आ गया है, तो 5-6 साल का हो जाता तब तक एक में नहीं पहुंचता है, 6-7 साल का हो जाएगा तब तक पहुंच भी नहीं करेगा एक में, है ना। तो मतलब हम कह सकते हैं कि कक्षा 5 तक उसको जो बढ़िया से टाई बेल्ट जो है पगहा वगा पहना के भेजा जाता है, इसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है थोड़ा सा तब वो अकेले जाना शुरू करता है, जब अकेले जाना शुरू करता तो उसका मित्र एक दिन धुआं धक्कड़ निकालते हुए आता, बोलता पियोगे सिगरेट, ठीक ना। तो दूसरे दिन जो है उसके पापा दारू रखे थे चुरा के लेके आया, बोलेगा पियोगे ये और मजेदार है, है ना, हम सही बता रहे हैं। तो 12 से 18 साल में जो है यहीं पे आदमी बिगड़ता है, अगर ये एज अपने आप में कोई मैनेज कर ले गया, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, बदमाशी वह व्यक्ति करेगा जिसका दिमाग चलेगा, जो बुद्धि पैदल होगा उसका दिमाग चलेगा, ये मत सोचना कि जो बदमाशी कर रहा है वो पूरा पूरा पगला है 100%, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति अगर बदमाशी कर रहा है मस्ती कर रहा है तो मस्ती और बदमाशी के लिए दिमाग चाहिए। तो जो लड़का आप देखेंगे पढ़ने में ठीक ठाक होता है, थोड़ा सा जो है मस्त मौला टाइप होता है, मतलब हमेशा जो है कुछ ना कुछ टाइम पास करता रहेगा, बदमाशी करता रहेगा, ठीक है। तो बदमाशी करना जो है गलत काम नहीं, लेकिन एक लिमिट तक और एक पर्टिकुलर दायरे के अंदर। अब ऐसा नहीं कि पता लगा शाम को जो है पड़ोसिया घर जो दीवार जोड़ी जा रही थी शाम को 8 बजे उसके मुंह में आई, इसको ठकेल गिर जाए, ऐसा मस्ती नहीं है ना। बस तो यहाँ पे जो है जो 12 से 18 साल वाली एज होती है इसमें जो है कोई भी व्यक्ति जो है एल्कोहल और ड्रग्स का यूज करना जो है शुरू करना है, इसके पहले नहीं करता जनरली आप देखेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं सुनेंगे आज तक कि कोई बच्चा जो है पैदा हुआ सिगरेट लेके पैदा हुआ, नहीं ना, न हुआ न होगा। तो लर्निंग कैपेसिटी जो है वो बचपना में होती है, और हम कह सकते हैं एक तरीके से टीन एज क्या होता है 12 से 18 नहीं, अगर देखिए आप 13 से लेके 19, तो जिसमें टीन लगा है ना वो हमारा क्या हो जाता है टीन एज, टेक्निकल वर्ड है, कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो टीन एज सुन के चकराइएगा मत कि कौन सा वर्ड आ गया, चाइना से आया है, नहीं। टीन एज का मतलब क्या है, जिस नंबर के लास्ट में क्या लगा है टीन, तो जैसे 13, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि एल्कोहल और ड्रग्स का उपयोग जो है स्पेशली कहाँ पे शुरू होता है, तो टीन एज में, टीन एज, हाँ, ठीक है ना, सुनोगे इसका हिंदी नहीं होता है, टीन एज होता है इसका भी। अब बात करते हैं कि यार व्यक्ति जो है एल्कोहल और ड्रग्स का उपयोग कहाँ करता है, तो इसका जो उपयोग होता है नंबर एक सबसे पहले यही शुरू होता है,
दुनिया का सबसे महान काम जो होता है शादी करना, मतलब दूसरे घर की समस्या अपने घर लाना है ना। शादी करना मतलब दूसरे के घर की परेशानी अपने घर लाना। पता लगा उसके घर वाले उसको झेल रहे थे, वो ले दे दिया आपको, ले जाइए अपने घर झेलिए उसको, ले जाइए, है ना। तो यहाँ पे जो है एक तो होता है, दूसरा हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है टेंशन में आके, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं जो प्रोग्राम होते हैं यार, सीधा सीधा है ना। आप देखेंगे ना कि शादी उदी में जो कभी नहीं पिया है वो देखा चुनुआ पी रहा है, चुनुआ बोलेगा मुंडुआ तू भी पी ले थोड़ा सा, दो घूट ज्यादा नहीं, वो दो घूट लिया, इसके बाद धीरे धीरे आदत ही हो गया। तो सबसे पहले यही शुरू होता है, है ना। और स्पेशल मामला देखना है तो गांव में देखेंगे जितना जो है देहात में जो है जितना मूर्ति पूजा बैठा हुआ है वहां पे जितना भक्त है वो शाम को जो है डेली 75 लेता है, है ना, दारू जिसको बोलते हैं शराब, एथेनॉल, है ना। अच्छा एक मामला और आता है कि शराब जो है क्या केवल खतरनाक ही है, बेकार ही है, नहीं अच्छी भी होती है, ठीक ना, नहीं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली शराब अच्छी भी होती है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल की मात्रा या परसेंटेज के ऊपर, जिसमें एल्कोहल का परसेंटेज जितने ज्यादा होगा वो शराब उतनी ही अधिक खतरनाक होगी, और जिसमें एल्कोहल का परसेंटेज या मात्रा जितने कम होगा वो शराब जो है उतनी क्या होगी, लाभदायक होगी। आप लोग सुनते होंगे कि जो मिलिट्री वाले होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, उनको जो है कान तो ढक्कन दे दिया, ऐसा नहीं दिया जाता कि पता लगा वो ऐसा पी के जो है पाकिस्तान में गोली चलाना था तो उसका मन में आया नहीं यार, आगे नहीं नली करते पीछे करते हैं, अब पता लगा वो अपने देश में बमबारी कर दिया अपने पड़ोसी को मार दिया, ऐसा नहीं होता, वो जो फायदेमंद होता है, है ना। अब एक मामला और आता है कि इसका जो एल्कोहल का काम होता है ये हमारे जो तंत्रिका तंत्र का जो सिस्टम होता है, मतलब हमारे शरीर में जो मैसेज के आने जाने का सिस्टम होता है उसको डिस्टर्ब करना होता है। एल्कोहल का काम क्या होता है, हमारे शरीर में जो मैसेज जिस सिस्टम से आता जाता है उसको क्या करना, डिस्टर्ब करना, ठीक ना। फिर बात करते हैं कि यार मान लेते हैं कि जो है एल्कोहल जो है बनता कैसे है, तो ध्यान दीजिएगा एल्कोहल जो है आपका बियर, शराब का नाम सुने होंगे, बियर, ठीक है ना, तो बियर जो है बहुत बेकार चीज नहीं, अच्छी चीज है, ठीक है ना, बियर जो है अच्छी चीज है, और उसको जो है कुछ लोग जो है कभी कभी इलाज वगैरह के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, बस उन्हें कुछ दवाई के रूप में यूज किया जाता है, वो अलग बात है। अब आप सोचेंगे कि बियर जो है कि बनता कैसे है, तो जौ देख रहे हैं, जौ से बियर बनाया जाता है, यही जौ गेहूं वाला फसल वाला गेहूं के साथ में बोया जाता है, तो सोचेंगे यार कि बियर से अगर जौ बनता है तो क्या मतलब जितना अनाज है सब में पाया जाता है एल्कोहल, हाँ अनाज आपका जितना है सब में एल्कोहल पाया जाता है, इसीलिए हमको आपको खाने के बाद नींद आती है, इसका मतलब दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो पियक्कर नहीं है, है ना, चाहे लड़की चाहे लड़का, अब कोई प्रत्यक्ष रूप से पियक्कर कोई अप्रत्यक्ष, कोई डायरेक्टली जो सीसी पीता है, कोई अनाज के साथ लेता है, चिकना साथ लेता है, है ना, वो खाना खा रहा तो उसका चिकने हो गया उसके साथ पी रहा है। अब जब आप खाते हैं भोजन करते हैं ना तो आपको नींद आता है, तो नींद कहे आता है आपके शरीर की सक्रियता जो होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, सक्रियता घट जाती है, सक्रियता घटने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए देखिए शराब और शराब पीने से होता क्या, आदमी जो हाथ देखेंगे वो बोलता है वो दो आदमी दिखाई दे रहा, तीन आदमी दिखाई दे रहा, ऐसा कहे होता है, बोलते ना कि वही आदमी है दूसरा आदमी है, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारे आंख पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कितना टाइम के लिए बनता है, तो बहुत ही कम समय, लगभग 1 सेकंड के लिए बनता है, नहीं तो पता लगा आप गाड़ी से जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपको पता है मैं धीरे धीरे चलता हूँ, ठीक है, तो आप सोचिए अगर पता लगा एक प्रतिबिंब जो 5 मिनट तक टिकेगा, एक आदमी को आपने देखा और उसका प्रतिबिंब आंख में बन गया, और इसके बाद जो है आप जा रहे हैं तब तक अगला आदमी आ गया, पिछले प्रतिबिंब हटना ही नहीं किया, अगला दिखाई देगा नहीं, नहीं दिखाई देगा, उसको ठोक दिए आप,
तो प्रतिबिंब जो होता है हमारे आंख में वो कितना टाइम के लिए बनता है, तो एक सेकंड के लिए बनता है, ठीक है ना, लगभग एक सेकंड के लिए, मतलब बहुत ही कम समय के लिए। तभी तो तेजी से जाते फटाफट चेंज होता जाता, ये देखे ये देखे ये देखे, है ना, एक सेकंड से भी कम बनता है, ठीक है ना। अगर पता लगा पांच मिनट के लिए बने तब, तो एक आदमी देखे 25 ठो मार दो कि जान से चला जाएगा, मर जाएगा बेचारा, ठीक है ना। अब देखिए हमारा जो है शराब पीने के बाद जो है हमारा शरीर जो है सही तरीके से काम नहीं, क्यों काम क्यों नहीं करता। जैसे मान लीजिए ये हमारे शरीर की एक तंत्रिका कोशिका है, ध्यान दीजिएगा, ये तंत्रिका कोशिका है। अभी मान लीजिए श्री चुन्नू है जो पी पा के टाइट है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। ये मान लीजिए बुधवार को नहीं पिए थे, ठीक है ना, बुधवार को नहीं पिए थे, ये जा रहे थे अपने ससुराल, मेला लगा था देखने, है ना, तो ये जा रहे थे मेला देखने, गए सही सलामत, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ससुराल जा रहे थे मिठाई ठेले के जा रहे थे। अगर मान लीजिए पी पा के जाते कोई छीन ले जाता तब, वैसे महंगाई आ गया है, कुछ भी छीना जा सकता है, मिठाई छीनी थी हो जाएगा, रुपया मोबाइल पैसा छूने थे ना, मिठाई छीनी थी हो जाता है, ठीक है ना। तो बुधवार को गए ससुराल नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये जो है बृहस्पतिवार को वहां रहे, उन्हें बढ़िया से चौड़िया लिया, इसके बाद जो है शुक्रवार को वापसी किए। अब शुक्रवार को जो है ससुराल से कहां आ रहे हैं, तो अपने घर आ रहे हैं, ससुराल से घर आ रहे हैं, बात समझ आ रही है ना। कौन से दिन आ रहे हैं, तो शुक्रवार को। अब शुक्रवार को जब लौट रहे थे तो ससुराल में पैसा अच्छा मिला था, कुछ 500 नोट मिला था, कितना 500 का नोट मिला था, ठीक है ना, 500 नोट मिला था। तो बेचारा 75 वाला कई सीसी खरीद लिया, ठीक है ना, तो 75 दुना 150 में 2 सीसी मिला, तो 300 में 4 सीसी मिला, 5 सीसी लिया मान लीजिए, है ना, कितना सीसी खरीदा 500 में, 5 तो खरीदा, प्लस जो कुछ नमकीन उमकीन लिया खाने के लिए, है ना, चिकना वगैरह ले लिया, है ना। अब 500 खत्म हो गया पूरा। अभी सोचा कौन भाड़ा दे के जाए, पैदल निकल लेते हैं पीते पाते, ध्यान दीजिएगा। अभी निकल रहे थे तो जब जा रहे थे तो नॉर्मल थे, तो आंख पे जो है प्रतिबिंब वगैरह सही बन रहा था। अभी जब ससुराल से लौट रहे थे घर अपने, तब क्या हुआ, पी पा के टाइट थे, और जब कोई व्यक्ति पी लेता है ना, तो उसके शरीर में जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें जो मैसेज के आने जाने का सिस्टम होता है, जैसे मान लीजिए आप देखे गाड़ी आ रहा है, तो आप देखे गाड़ी आ रहा है तो दिमाग से सूचना जाएगा कहाँ, आंख से कहाँ जाएगा, दिमाग में जाएगा कि गाड़ी आ रहा है, बगल हो जाओ, नहीं तो तुमसे मजबूत है, शायद तुम्हारे लड़ने से बस टूट जाए, व्यक्ति के लड़ने से बस टूट जाए, हो सकता है, ऐसा संभव है नहीं ना, आज तक कोई देखे मतलब व्यक्ति लड़ा हो, उसका किडनी उडनी बचा हो, सेफ एकदम, बस टूट गया हो, उसका केबिन उबिन जो उड़ गया हो, गड्ढे में चला गया हो, ठीक है ना। अभी जो पी पा के टाइट था, ये सोचा हम लड़ेंगे अगर बस से, तो बस का केबिन उबिन टूट जाएगा, ड्राइवर जो मर जाएगा, हम नहीं मरेंगे, है ना। तो यहाँ पे जब ये नॉर्मल कंडीशन में था तो सब कुछ जो है नॉर्मल चल रहा था, मैसेज जो है आराम से आ जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। अब मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं हम 3 सेकंड में मैसेज पहुंच रहा था नॉर्मल कंडीशन में, 3 सेकंड में क्या हो रहा था, मैसेज पहुंच रहा था, ठीक है ना। जब नहीं पिया था तब मैसेज जो है आंख से जो दिमाग तक कितना देर में जा रहा, तो मान लेते हैं 3 सेकंड में, और जब पी लिया ना तभी जा रहा है 6 सेकंड में, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो शराब होता है या ड्रग्स होता है वो हमारे तंत्रिका तंत्र में जो सूचनाओं का आदान प्रदान का स्पीड होता है उसको क्या कर देता है, धीमा कर देता है, बढ़ा दिया। पहले यार कितना लग रहा था, 3 सेकंड लग रहा था, अब कितना सेकंड लग रहा है, 6 सेकंड। तो टाइम कम और ज्यादा कब लगेगा, टाइम ज्यादा कब लगेगा, जब स्पीड बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्पीड घट जाएगा। तो जब कोई व्यक्ति पी लेता है ना, तब उसका जो स्पीड होता है, उसके शरीर की जो सक्रियता होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। जब सक्रियता घट जाती है तो उसको जो है ना, अब पता लगा, वो देखा कि बस आ रहा है, अब दिमाग तक जो सूचना पहुंचते पहुंचते बस उसके पास आ गया, उसको ठोक दिया, वो हट नहीं पाया। क्यों, अगर ये पिया नहीं होता तो 3 सेकंड में मैसेज पहुंच गया होता, और मैसेज पहुंच गया होता तो रोड छोड़ करके क्या हो जाता, किनारे हो जाता, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं शराब पीने से जो है और कुछ नहीं होता, केवल व केवल जो हमारे शरीर की जो तंत्रिका कोशिका होती हैं
उसकी जो क्रियाशीलता होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, और उसी के चलते क्या होता है, हम अब सोचेंगे कि यार पीएफएल लोग बोलते हैं हमारा टेंशन कम हो गया। हाँ, टेंशन का है कम हो गया, क्योंकि उसका दिमाग नॉर्मल था, बहुत तेज सोच रहा था, जल्दी जल्दी अपील लिया, तो तंत्रिका जो तंत्र है वो धीरे धीरे काम करेगा, तेजी से धीरे धीरे, और धीरे धीरे प्रभाव उसका और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, मतलब शराब जो और प्रभावशाली होता जाएगा, तो धीरे धीरे उसकी क्रियाशीलता और घटेगा, कब बढ़ेगा और घटेगा, तो धीरे धीरे उसको नींद आ जाएगा। ऐसे में क्या हो जाता है, पियक्कड़ आदमी सो जाता है, बोलता कोई टेंशन नहीं है। बात सुने, शराब पीने से क्या होता है, नशीली दवा लेने से क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो शराब जो है इतना एज में, अर्थात हम कह सकते हैं लगभग टीन एज में शुरू होता है शराब और ड्रग्स का लेना, और कुछ व्यक्ति जो है शादी प्रोग्राम में लोग कह लेता है मजा लेने के लिए ना, तो मजा लेने के लिए अगर लेता तो हम कह सकते हैं शौक में पी रहा है कि अनिवार्य है, लिखा है शराब शादी में जा रहे हैं शराब पीना अनिवार्य है, ड्रिंकिंग इज कंपल्सरी लिखा होता है, आज तक देखे को कार्ड पे लिख के आया वो नहीं ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर ये पी रहा है तो शौक में पी रहा है, और दूसरा कब पीता है आदमी तो टेंशन। तो शराब पीने का दो ही कारण होता है, एक शौक पूरा करने के लिए और एक टेंशन, ठीक है ना, बात समझे। लेकिन एक मामला है कि यार शौक भी ऐसा ना करो कि घर वाले अपना लड़का बच्चा कहने में आपको शर्म करे, शौक ऐसा ना करो कि घर वाले बोलते ना ये हमारा चुनुआ नहीं है, ये इसको नहीं जानती कहाँ से आया है, ठीक है ना, बात समझे। तो शराब, ये एल्कोहल और ड्रग्स का उपयोग क्या होता है, प्रयोग क्या होता है, इसका दुष्प्रभाव क्या होता है, ये हमारे आपके शरीर को एक वर्ड आपको मिलेगा, शिथिल करना। शिथिल करने का मतलब क्या होता है, इसको धीरे धीरे क्या करने ना, निष्क्रियता में परिवर्तित करना, सक्रियता से किस में परिवर्तित करना, निष्क्रियता में। तो ये जो है हमारा होता है एल्कोहल और ड्रग्स का प्रयोग, बात समझ में कोई दिक्कत, ठीक है ना। ये इतना इसके बारे में डिस्कशन था, अब पॉइंट पे आते हैं।